हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कैंपेन के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग स्टेट में लॉन्च हुए हैं, और इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में वो आए। तो लेट्स बिगिन। आप प्लीज़ एक कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि डिजिटल कभी नेट होगा नहीं होगा आपके पास, बट नोट्स जो है वो हमेशा आपके काम आएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख सकते हैं कर्नाटका लॉन्चेज नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन फॉर कोविड-19। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने। ओके, चलिए नेक्स्ट पे ब्रेक द चेन कैंपेन। याद रखिएगा, ब्रेक द चेन, चेन कहाँ टूटी? केरला में टूटी है। केरला ने ब्रेक द चेन कैंपेन स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है कोरोना कवच, ये काफ़ी न्यूज़ में भी थी, तो याद रखिएगा कोरोना कवच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको फीफा ने कोविड-19 का एम्बेसडर बनाया है, तो याद रखिएगा सुनील छेत्री जो फुटबॉलर हैं उन्हें फीफा कैंपेन का एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, यूपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है टीम 11। याद रखिएगा टीम 11 यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, उड़ीसा मो जीवन प्रोग्राम, मो जीवन प्रोग्राम याद रखिएगा उड़ीसा ने लॉन्च किया है मो जीवन। मो का मतलब होता है मेरा, और याद रखिएगा मो जीवन प्रोग्राम लॉन्च किया है उड़ीसा ने। गोवा ने एक चैटबोट लॉन्च किया है, उसका नाम है चैटबोट 19। याद रखिएगा चैटबोट 19 किसने लॉन्च किया है? गोवा ने। ओके, चलिए कर्नाटका ने एक और एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसका नाम है कोरोना वॉच। याद रखिएगा कोरोना वॉच एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? दैट इज़ कर्नाटका। नेक्स्ट है, मोदी किचन कहाँ सेटअप हुआ है? याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मोदी किचन कहाँ सेट हुआ है? तमिलनाडु में। मोदी किचन हैज़ बीन सेटअप एट तमिलनाडु। नेक्स्ट है, इंडिया लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल कहाँ इस्टेब्लिश होगा? याद रखिएगा ये उड़ीसा में होगा, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उड़ीसा में इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल कोविड-19 से फंडिंग उड़ीसा में होगा। चलिए नेक्स्ट है, तिरुपुर गेट्स यूनिक डिस इन्फेक्शनल टनल। सबसे पहले डिस इन्फेक्शनल टनल बनाएंगे तिरुपुर में, तिरुपुर आता है हमारे तमिलनाडु में। चलिए कोरोना कवच जो इंडियन गवर्नमेंट की ऐप है, अभी ऊपर पढ़ा था आपने, ये एक ट्रैकर ऐप है जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस एरिया में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। अब एक ऐप है टेस्ट योर सेल्फ, जी हाँ ऐप का नाम है टेस्ट योर सेल्फ। ये ऐप बनाई है गोवा ने, याद रखिएगा टेस्ट योर सेल्फ ऐप बनाई है गोवा ने। नेक्स्ट है, कोविड-19 के लिए क्वारंटीन मॉनिटर बनाया है किसने? तमिलनाडु ने। याद रखिएगा क्वारंटीन मॉनिटर ऐप बनाई है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, और क्वारंटीन वॉच ऐप कर्नाटका ने। कर्नाटका में वॉच करेंगे और तमिलनाडु में मॉनिटर करेंगे। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक कोवा पंजाब ऐप, पंजाब नाम ही है, COVA कोवा पंजाब ऐप बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने। जी गवर्नमेंट ऑफ केरला डायरेक्ट ऐप, देखिए ये भी एक ऐप है गवर्नमेंट ऑफ केरला, ये केरला ने बनाई है। एक ऐप है महाकवच ऐप, याद रखिए महाकवच ऐप ये बनाई है महाराष्ट्र ने, एम से महा, याद रखिएगा महा और महाराष्ट्र, महाकवच ऐप महाराष्ट्र बनाई है। एक और आरोग्य सेतु ऐप है जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, और ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, NCC दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने एक लॉन्च इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सरसाइज NCC योगदान, एक्सरसाइज NCC योगदान टू, और ये एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करेंगे अथॉरिटीज़ को जो कोविड-19 से लड़ रही है। ओके, और लास्ट है, जो स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि जिसमें वो इंडिजीनियस वेंटिलेटर्स बनाएंगे। आपको पता है वेंटिलेटर्स की बहुत नीड है, अंडर प्रोजेक्ट प्राण। याद रखिए प्रोजेक्ट प्राण किसके रिलेटेड है? IISc बेंगलुरु ने बनाया है वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द डे गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।